وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمر. معزز السامعين، पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जलसे के इंतज़ाम में जो नौजवान लगे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि ज़रा अतराफ व अकनाफ के बच्चों को खामोश करें। क्योंकि छोटे बच्चों का माहौल यूपी का हाल बता रहा है। बच्चे बच्चे ही होते हैं, इनको बिठाओ। कौन इनू? वो बच्चों को भेजो उधर के बच्चों को, कैमरा पकड़ रही ना, उनको भेजो। और एक इम्तिहान भी है हजरत सदर जलसा और मुकर्रर खुसूसी दामत बरकातहुम के सामने कहने की जुर्रत कर रहा हूँ। बिल्कुल करीब में औरतों को बिठा दिया गया है, ये हमारा इम्तिहान है। जलसों में जितना सुकून होगा कहने वाला उतना ही कहेगा और बात आप लोगों को समझ में भी आएगी। वरना जलसे शादियों के रस्मों की तरह एक रस्म बनकर रह जाएंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ये भेज दीजिए, बच्चों को भेज दीजिए मौलवी साहब, वो काले शर्ट वाले को भेजो। बोल और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जो बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है उसकी निस्बत से दो चार अशार पढ़ने की इजाज़त हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब से चाहता हूँ। जो अजमतों के दीन पे कुर्बान हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। मान जरा लिमिटेड बोलो, अनलिमिटेड नहीं। क्या हजरत? और कहाँ क्या बोलना वो बोल लो, हर जगह सुभान अल्लाह बोल रही। किसका तभी इंतकाल होगा अगर तभी सुभान अल्लाह बोलेंगे दिखता। इस्लाम है नहीं,
कहाँ कब बोलना ये भी अल्लाह के नबी हमको सिखाए। सुभानअल्लाह बोलने की जगह सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह बोलने की जगह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की जगह अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाह बोलने की जगह इन्ना लिल्लाह, बेशक की जगह बेशक, इंशाअल्लाह बोलने की जगह इंशाअल्लाह, इसी का नाम इस्लाम है। हजरत हमारे बाबा को तुम्हारा बहुत पसंद था। हजरत 6 महीने पहले इंतकाल हो गया। सुनते ही मैं बोलिया माशाल्लाह। फिर मंजे गांव को बयान को बुलाएंगे। हजरत शादी हो गो 10 साल बच्चे तो नहीं थे। हजरत मौलाना मुजीब साहब दामद बरकातुम तशरीफ लाए, पानी में दम करा को हमें दोनों पिए। हजरत उसकी बरकत से बेटा हुआ। हजरत इन्ना लिल्ला बोलिया। बुलाना तो दूर की बात, ये रोड से गुजरने देंगे? बात हंसे की है लेकिन हकीकत में शर्म की है। बेसिक इल्म भी अगर ना हो तो फिर हमें हमारे बड़ों के नाम पर अपना नाम रखना धोखा है। समझ में आई बात? बुनियादी इल्म ना हो सहाबा औलिया ताबीन तबे ताबीन मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के नामों पर हमारा अपना नाम रखना भी एक फरेब है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस की तशरीह है। कितने उलमाए किराम बैठे हैं देखें आप। क्या भाई आवाज आई है? उनके रिश्तेदार बन गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा कि मेरे उम्मत के अफराद नाम इस्लाम के मुताबिक रखेंगे लेकिन उनकी जिंदगियों में इस्लाम नहीं रहेगा। सयाती अलन्नासी जमानुन ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला सुन्नु। नाम क्या पूछो अबू बकर, नाम क्या पूछो उमर, नाम क्या पूछो उस्मान, नाम क्या पूछो आयशा, नाम क्या पूछो फातिमा, राम क्या पूछो जैनब, नाम क्या पूछो उम्मे सलमा, नाम क्या पूछो राबिया, लेकिन सिर्फ नाम के मुसलमान रहेंगे, हकीकत के मुसलमान नहीं रहेंगे। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इसलिए हजरत मौलाना औरंगजेब साहब दामद बरकातहुम ने तसर से किताब में दुखती रख पर हाथ रखकर पैगाम दिया, आलिम बनो, उलमा के साथ बैठो, अहले इल्म से मोहब्बत करो। ये तमाम अजबाब के सदके अल्लाह हमारी जिंदगियों में इल्म अता फरमाते हैं। दुनिया का वाहिद मजहब है ये। क्या करना, कैसे करना, कब करना, क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, मेरे रब की कसम मेरे नबी के सदके उम्मत को अजबाक मिलते हैं। लंबा बयान नहीं करूंगा मैं, हैदराबाद जाना है मुझे,
सिर्फ 3-4 घंटे बोल को ख़त्म कर डाल दो। पहले अशार सुनो, जो अजमतों के दीन पे कुर्बान हो गए। तो समझे क्या? माशाल्लाह, क्या समझे? पूछता नहीं, डरो नको। जो अजमतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। तुम्हें भी पढ़ना सीखो, नाता गीता खाली सुभान अल्लाह बोलते रहना, गाने गाते रहना। वो जमाना तुम लगा भी नाते पढ़ो सीखो, तुम्हारी आवाज भी अच्छी है, खूबसूरत है, इस्तेमाल करो, हिफाजत करो। हिफाजत करे तो इस्तेमाल कर सकते, हिफाजत नहीं करे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारी आवाज़ मौलाना अशरफ साहब की आवाज़ इस खूबसूरत नहीं, मौली साहब खूबसूरत नहीं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग लिखते हैं कि अल्लाह ताला खूबसूरत आवाज़ भी तमाम नबियों में सिर्फ मेरे नबी की उम्मत को अता किया है, जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह। कई को इतनी खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला हुजूर की उम्मत को अता किया इसलिए कि इसी उम्मत को क़ियामत तक कुरान भी पढ़ना है। इसी उम्मत को क़ियामत तक अजान भी देना है, नात भी पढ़ना है। इतनी खूबसूरत आवाज़ जो हुजूर की उम्मत को मिली है किसी नबी की उम्मत को नहीं मिली। तुम लगा भी अपनी आवाज की हिफाजत करो, नाता कुरान अजान सब देना सीखो। मार को दमा गल्ला पुरानी चेतक का सेंसर होगा है। गुटखा पान पराग बेकार के बमड़िया, मार को ये नल्ला है नहीं, गल्ला पुरानी चेतक का साइलेंसर। फोन में सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम, जवाब ही भूल जाना हमें। बच्चे पैदा होते क्या गांव का नाम है? गोडरली। हाँ गोडरली में बच्चे पैदा होते? अरे होते नहीं होते भाई, होते नहीं। मैं दिल्ली से मंगा देंगी, दिल्ली से क्या मंगाते, दिल्ली वाले जनरिंक नहीं होते, नहीं होते। इस्लाम का एक कानून है कि बच्चे पैदा होते ही सबसे पहले उसके सिरे कान पर अजान और दूसरे बाएं कान पर इकामत पढ़ो। अल्लाह का नबी का नाम सबसे पहले उसके कान के जरिए से उसके दिल दिमाग में दाखिल करो। नमाज और कामयाबी का पैगाम डालो, वहदानियत का सबक डालो, रिसालत का सबक डालो। सीधे कान में अजान, बाएं कान में इकामत। बस नमाज को होल्ड करके रखो, जब नमाज का वक्त आएगा अजान भी देना नहीं इकामत भी देना नहीं, वो तो हो चुकी है। मंजे एक नौजवान आपको पूछा, हजरत हमारे बेगम को डिलीवरी का वक्त करीब है, मैं तुम्हारा बयान सुनतूँ सो। तुम्हें बयान में बोले जो बाबा बच्चे को अजान देता कि वो बच्चा बाबा की जनाजे की नमाज पढ़ाता को कबूल को, मैं अजान दूँ क्या हजरत? कया मन जेते बारे बात तो जानते ना, मैं फौरन बोलिया देना आता कतो दे, नहीं कतो हम ना बुला। नहीं देने आता फिर भी बच्चे को सामने रख ले को अजान दिया तो रोने वाला बच्चा खामोश होता को सोचेगा मैं पैदा हुआ बोल को रो रू, इन्हें कई को रो रहा है नहीं हजरत। बच्चे को अजान देना आता तो नहीं है।
लड्डू का मिठा फीका होता। क्या मलाना? लड्डू का मिठा बच्चे को सामने रख डाल को। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नजर लगा उनको बाबा, माशाल्लाह बोलो। गोड़ हल्ली की नजर मुर्गा नहीं बकरा उतारती हुई उतरती थी। देना क्या हजरत? मुझे भी मेरे दोस्त बुलाते, अभी तकरीर शुरू करानी, अशार पढ़ना है। मुझे भी मेरे दोस्त बुलाते, हमारी मोहब्बत बड़ी महंगी है। क्या हजरत? हजरत हमसे तो समझ में आ रहा है, हजरत को भी वास्ता पड़ा है। रात के 3 बजे बच्चा पैदा हुआ, 3 बजे फोन करता घुगू। फोन करते कि नहीं कि हमें उठा को, हेलो बोले तो सोगी क्या हजरत पूछता। नहीं रे बाबा, तेरे फोन का इंतजार कर रहा हूं। 3 बजे फोन कर दाल को। अरे हमें, मैं भी पीएम भाई, हर पीएम के क्या बीवी नहीं रहती? ये पीएम वो है जिसे बीवी भी है बच्चे भी हैं। अब रात के 3 बजे फोन आया तो हमें डर को काई नहीं उठ जाती कि बिल्कुल जल्दी उठा को बात करे तो क्या भी नहीं। हजरत तुम्हारी दुआ से बेटा हुआ, मैं तुम्हारा आशिक हजरत, फ्यान हजरत। मैं बोलिया एसी का दौर रे बाबा, अब क्या करना बा। माशा अल्लाह, अल्लाह बच्चे के ईमान में, जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में बरकत अता फरमाए। 3 बजे फोन कर को बोल डालिया, क्या भी नहीं हजरत, अजान देने आती क्या हजरत? 3 बजे फोन सुन को मैं घर से बाहर गया तो मेरा घर रहता क्या हजरत? डाउट के जमाने में ये औरत अल्लाह नमाज को गए तो डाउट कर रही। एक जोरू को एक मर्द पर बड़ा डाउट था, कहते आखिर मर्द इन्हें डाउट करती ना, बोल को बिजनेस ही छोड़ डालिया, पूरा पैसा पार्टनरशिप में लगा दल को। घर में बैठ गया, तू डाउट कई को करती, तूच मेरी मैं तेरा को बोल को डाउट इट नहीं रहना, बोल को बिजनेस छोड़ दल को। अब घर में रख गा, अब घर में रख को क्या करता, कितना खाना उतना खाता, कितना सोना उतना सोता। अब रात में तहज्जुद भी शुरू कर लिया, तब भी डाउट छोड़ी नहीं, कहते बोली कहते औरत छोड़ा को, अब ये पट्टा हूरंग के पीछे पड़ जाए। ऐसे आशिका होते हैं, अजान देने के लिए मौली साहबों को बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक मरतबा अजान देने के लिए एक बच्चे को गया अस्पताल को। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को ले लगा को, अव्वल आपा खड़ी। मैं बोलिया आपा के हाथ में बच्चा दे डाल को, मंजे अजान देव को बोलकर बोले तो मेरे इरादों का क्या होगा? बोला दे डालो माँ, बच्चे के मामू के पास दो, चिच्चा के पास दो। मामू भी नहीं है, चिच्चा भी नहीं है, हजरत अभी आई नहीं लगा। बाबा कुछ दो गया मैं, बाबा बोलता मुझे उठाने आता नहीं आता। मैं बोला जना कहीं को, फिर हमारे एक दोस्त को बोलिया तुम्हें उठा ले को, खड़ो जी मैं अजान देता हूँ बोलकर। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना की दुआ से जब मैं अस्पताल में धीरे, उतना जोर से भी दिया नहीं मौलाना, आहिस्ता अजान दिया। अब जो दिया नहीं वैसे, अजान की आवाज सुनकर पूरे अस्पताल के कुछ औरतें सब जमा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान गैर मुस्लिम सब। अब अजान खत्म करते कि उन्होंने बुला रही, हजरत हमारे बच्चे को भी दे, हमारे बच्चे को भी दे बोल को। गैर मुस्लिम भी बुलाया, एक गुरु मेरे बच्चे को भी दे सकते हैं क्या बोलकर? मैं बोला क्यों नहीं दे सकते, लेकिन फर्क देखो मेरे दोस्तों। खास तौर पर मौलाना अशरफ साहब और मौलाना मुजीब साहब की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि जब मैं उस गैर मुस्लिम
आदमी के बच्चे को अजान देकर बाहर निकलिया, हमारा दोस्त 6 लड्डुओं का डब्बा दिया, उन्हें 2000 की नोट दिया। देखे क्या मुसाफा बोलते सो इसे। हमारा दोस्त जो 6 लड्डुओं का डब्बा दिया उन्हें गैर मुस्लिम अजान का अदब और एहतराम, 2000 का मोहताज नहीं। मुसाफा बोलते सो उसे, हमारे मुसाफे कैसे कहते जनाजे खूबसूरत मुर्दे चुनी। देव अजान की देव, नाता पढ़ो, कुरान पढ़ो। मासूम बच्चा जो अब इस वक्त कुरान खत्म किया, हजरत के सामने आखिरी सबक सुनाया, जब वो तिलावत कर रहा था तो मुझे हरमैन शरीफ याद आ रहा था। हर घर में ऐसे बच्चे हैं, अगर बनाए तो लायक बनेंगे। अशार सुनो पहले, सिर्फ एक वाकया बयान करूंगा, उससे पहले अशार सुन लो। जो अजमतों के दीन पे कुर्बान हो गए, जो अजमतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम। बस टोपियां लगा के मुसलमान हो गए, बस टोपियां लगा के मुसलमान हो गए। भाई मैं कॉल है, हाथ में तस्बीह पकड़ लो, तुम्हें मैं पूरा बयान खत्म कर रहा था, सुभान अल्लाह पढ़ ले करो। जो अजमतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। अब असल शेर है बच्चे के हवाले से, खुशबू से साथ पुष्ट महक जाएगी जनाब। यहां बोलो सुभान अल्लाह। खुशबू से साथ पुष्ट महक जाएगी जनाब, फायदा बच्चों को हाफिज बनाने का दुनिया में आखिरत में। डॉक्टर बनाना, लायर बनाना, इंजीनियर बनाना आजकल एक बमड़ी है। असरी तालीम दो, असरी तालीम दो, असरी तालीम दो, बर्बाद करो नस्लों को। इस छोटे से करिए में नहीं, बेंगलुरु जैसे समंदर में साफ कहता है ये आजिश। असली तालीम की आवाज लगाने वालों से ये आजिज पूछता है कि भाई बता, क्या तुझे कुरान पढ़ना आता है? पहले दीनी तालीम की फिक्र करो। असली तालीम हासिल करो या ना करो, दीनी तालीम हासिल करो या ना करो, दोनों सूरतों में हमारे रिस्क का मालिक हमारा अल्लाह है। बमड़िया मारते हैं, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। करीब में घुग्गू दिल्ली में, हमारी कौम पीछे है सो कई को कहते, हमारे पास है ना असरी तालीम नहीं है, कहते फोन कर तो बोलिया उनको। मैं कौम जो पीछे है वो न्यू एजुकेशन ना होने की वजह से कौम पीछे नहीं है। कौम जो पीछे है उसका सबब क्या है मालूम? कि इस वक्त कौम के घर में कुरान तो है, हाथ में कुरान नहीं है। घर में कुरान तो है, जिंदगी में कुरान नहीं है। ये पहला सबब है कौम के पीछे होने का। असरी तालीम, असरी तालीम, असरी तालीम,
असली तालीम बोले तो एक लफ्ज प्योर उर्दू, समझ में आई बात है? इसका सादा सीधा तर्जुमा क्या, दुनियावी तालीम होना कटे, यानी मतलब हमारे मुल्क में हो या बाहर ममालिक में हो, जिन उलूम को हासिल करने से हमारे बच्चों को वक्ती तौर पर इज्जत मिलती है और पैसा तनख्वाह के नाम पर हजारों पार करके लाखों तक पहुंचता है, ऐसी तालीम से बच्चों को आरास्ता करने का नाम है असरी तालीम। असरी तालीम, असरी तालीम हासिल करने वालों को हमारे अंकल ने मशवरा दिया, पकोड़े तलो। बोले नहीं बोले? होना असरी तालीम, सबसे पहले दीनी तालीम होना, दीनी तालीम। मैं साफ कहता हूं, एक इंसान सच्चा और पक्का और सही माने में इंसान बनने के लिए उसे कुरान की तालीम और प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जरूरी है, चाहे वो मुसलमान हो के गैर मुस्लिम हो, क्योंकि इन दोनों कुरान और मेरे नबी की जिंदगी और मेरे नबी के पैगामात में इंसान को इंसान बनाने का असल पैगाम है। दीनी तालीम पहले रहना, इसका फायदा दुनिया में भी, इसका फायदा आखिरत में भी। जानते हो इस मासूम बच्चे जिसने अभी कुरान पाक खत्म किया, आप लोग सब समाप्त करें, नाजिम जलसा ने आज के जलसे का दूल्हा कहा, दूल्हा का तो नूशो, आज के जलसे का नहीं, हकीकत में दूल्हा है। हदीस पाक में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह का बंदा कुरान पाक मुकम्मल करता है अल्लाह ताला उसी मजलिस में जन्नत की 300 हूरों के साथ निकाह फरमाते हैं। लेकिन एड्रेस पूछो ना को बेटे। जन्नत के 300 हूरों के साथ निकाह की कहते हो, जन्नत अनलिमिटेड जगह का नाम। हाँ एक ही चेक नहीं, 300 भी हो सकते, 600 भी हो सकते। दुनिया में मर्दों के लिए 4 की इजाजत है, औरतें करीब बैठे ही, मसले को छेड़ना नहीं चाहता, छेड़ तो मैं बेंगलुरु भी नहीं पहुंचूंगा। वहां इजाजत, जन्नत में इजाजत, दुनिया की कई हराम चीजें जन्नत में हलाल हो जाती हैं। दुनिया में शराब हराम, जन्नत में शराब हलाल। दुनिया हराम, जन्नत में सोना हलाल। दुनिया में रेशम हलाल हराम, जन्नत में रेशम हलाल। दुनिया में 4 से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व ताला बंदा जितना चाहेगा उतनों से निकाह करेगा। आज के जलसे का दूल्हा नहीं, हकीकत में दूल्हा है। खुश नसीब है इसके माँ बाप। इस दौर में हालात और हालात की आवाजों को सामने रखते हुए भी अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल किया, सुभान अल्लाह। वो भी मदरसा भी कैसा मदरसा, सुबह को जाना शाम को आना, नहीं मौलाना? मैं तो मौलाना समीउल्लाह साहब दामत बरकातुहुम की खिदमत नहीं कहता, मौलाना समीउल्लाह साहब की करामत कहता हूँ। खिदमत अलग, करामत अलग। हमारे नजदीक करामत किसे बोलते, चलते चलते गिर जाना, चाकू और चुबा लेना, अंगार में चलना, 900 बमड़िया मारना, असल करामत ये है। बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला उस्ताद अल्लाह का वली होता है और उसकी ये मेहनत खुदा की कसम करामत होती है। बच्चे के सीने में 30 पारे दाखिल करना
सबके बस की बात नहीं। और एक बच्चे का 30 पारों को 114 सूरतों को याद कर लेना सबके बस की बात नहीं। तरक्की का जमाना है लेकिन कुरान का उसूल उस वक्त से लेकर अब तक बराबर वही है। सहाबा ने जैसे कुरान पाक को याद किया, ताबीन और तबे ताबीन ने कुरान पाक को जैसे याद किया, वैसे इस मासूम ने अल्लाह के कलाम को याद किया। आज से इसका नाम हाफिज कुरान है। और एक बात समझने की कोशिश करो, ये बच्चा हाफिज कुरान मेरे और आपके समझ के लिए मैंने जुमला पेश किया, इन बुजुर्गों की दुआ मुझे मिलेगी, ये बच्चा हाफिज कुरान जहां है वहां अल्लाह के वादे का सबूत है। क्या अल्लाह का वादा? अल्लाह का वादा मेरे नबी के लिए था, पैगंबर कुरान हम आप पर नाजिल कर रहे हैं, समझ रहे कि सो रहे? कुरान हम आप पर नाजिल कर रहे हैं, आपका काम कुरान पढ़ना, आपका काम कुरान पढ़ाना, आपका काम कुरान समझाना, आपका काम दावत, आपका काम तबलीग। लेकिन आपका काम ये नहीं कि कुरान की हिफाजत करना। मेरे नबी पूछते हैं, अल्लाह क्या मैं आपका आखिरी पैगंबर नहीं? अल्लाह ऐ मोहम्मद आप मेरे आखिरी पैगंबर हैं, आपके बाद कियामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इन उलमाए किराम के हवाले इस हदीस को गौर से सुनना, ऐ पैगंबर आपका काम कुरान पढ़ना, आपका काम कुरान पढ़ाना, आपका काम कुरान समझाना, आपका काम दावत, आपका काम तबलीग, आपका काम हिफाजत नहीं। आका ने अल्लाह से पूछा, इलाहल आलमीन क्यों हिफाजत नहीं? क्या मैं आपका आखिरी पैगंबर नहीं? अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद आप मेरे आखिरी पैगंबर हैं। दुनिया की तरतीब में समझने की कोशिश करो, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ, उलमा के बयानात को हवा न बनाओ, ये दिलों से निकलने वाली बात है जो हजरत सहाबा के सीनों से निकलकर इन उलमा के सीनों तक पहुंची है। आवाज इनकी है, बात सहाबा की है, आवाज इनकी है, बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। और हमारे जैसे मौली साहब की बात तो समझना नहीं हजरत, तुम ना समझाने के वास्ते हमें हमारी उर्दू को गारत कर डाले क्या हजरत? मंजे एक दीवाना पूछ रहा, मौली साहब एक बात पूछता हूँ, गुस्सा करना नहीं कहा। मैं बोला वो वादा करता नहीं, गुस्से की बात रही तो गुस्सा करता हूँ, सिर्फ गुस्सा नहीं मारने का मौका पड़ा तो मारता हूँ। ये क्या है गुस्सा करना नहीं? क्यों बोल को माँ की गाली दे डाले तो शुक्रिया बोलू? गुस्सा करना नहीं क्यों बोल को क्या तुम्हें इल्जाम लगा डाले तो थैंक यू बोलू? हजरत इमाम शाफी का वाकिया मौलाना ने बयान फरमाया, चार इमामों में से एक इमाम है, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, जहां गुस्सा करने का मौका हो वहां अगर किसी को गुस्सा ना आता हो तो समझो कि उसकी मर्दानियत में कमी है। समझ में नहीं आई बात? समझाऊंगी? हाँ समझा तू। चलो बीवी को मोबाइल में फोन आया, किसका पूछना गीरत में दाखिल है? क्या बोला ना हजरत? बीवी को फोन आया, तुम्हारे घर के औरत के पास मोबाइल है नहीं है? अब नक्को को बोलकर बोला तो मानते भी नहीं, फतवा तो फतवा वही नाजिल हुई तो भी अब मोबाइल पर अमल करने वाला कौन भी नहीं है। है
औरत का, बीवी का, बहन का, माँ का फोन है, मोबाइल में फोन आया, उन्हें उठा को बात करी, सामने बैठ को बात करने के बजाय फोन आते ही उठा ले को अंदर के कमरे को चलेगी, बेटी अंदर के कमरे को चलेगी, किसका फोन पूछना गीरत में दाखिल है। अब औरत गर्म ही मौलाना समीउल्लाह साहब को पकड़ लेंगे, जा को ये मौलवी मिलिया के तुम ना है, सो बात है। अब बीवी बोली हमारे दोस्त का, बेटी बोली क्लास फेलियू का, और पक्की इंग्लिश में बोल लगे तो बॉयफ्रेंड को। अब यह गुस्सा आना, अगर बाप को गुस्सा ना आया इमाम शाफी का कौल का मिज़दाक, भाई को गुस्सा ना आया इमाम शाफी के कौल का मिज़दाक, भाई को गुस्सा न आया इमाम शाफी के कौल का मिस्दाक। जहां गुस्सा करना वहां गुस्सा करना, जहां नहीं करना वहां नहीं करना। नहीं करने की जगह गुस्सा करे गुनहगार, करने की जगह नहीं करे मर्दा। नियत में फर्क है, ये फुकहा का कौल है। एक नौजवान पूछा, हजरत एक बात पूछता हूँ, गुस्सा करना नहीं। मैं बोला गुस्सा करने की बात रही तो गुस्सा करता हूँ, सदबा बेहतर है, नहीं पूछा तो अच्छा है। नहीं हजरत पूछना चाहिए, वैसा भी गुस्सा करने की बात नहीं। खैर बोल बा क्या कहता हूँ, तुम्हें पूरे मौली साहब के हजरत पूछा। क्या बोला ना अर्शद साहब, मैंने पूछ रहा पूरे मौली साहब क्या बोल को। मैं बोला पूरा की याद आ की वो अपनी जगह पर, तुझे डाउट कई को हुआ ये पहले बोल लो। अभी मैं जब शबे हिज में था, ये तमाम बुजुर्गान दीन आलिम कोर्स में सबील रशाद में थे, मौलाना जब इस आजिज की मोहब्बत पेश कर रहे थे, ये ना समझो कि एक लेवल में पढ़ रहे थे, हम बिल्कुल नीचे के दर्जे में पढ़ रहे थे, ये आलिम कोर्स में पढ़ रहे थे। उस वक्त से इनकी शफ़क़तें हमारे साथ हैं, मोहब्बतें हमारे साथ हैं, अल्लाह बेहतरीन बदला और अजर अता फरमाए। तो मेरे हाल में पूछा, मैं आधा की पूरा की पौना की सवा की डेढ़ की बाद में बोलतू, लेकिन तुझे डाउट कहीं को हुआ ये बोल। तो उन्हें बोल रहा, नहीं हजरत दूसरे मौली साहब कैसी उर्दू में बयान करती, तुम्हें देखे तो ऐसी उर्दू में बात करती है ना हजरत। मैं बोला तुझे समझाने के वास्ते मेरी उर्दू ऐसी में गई सुरे बाबा। तकरीर फसाहत बलागत किसे बोलते, सामने वाले को बात समझ में आना। ये बच्चा हाफिज कुरान लकब नंबर टू, लकब नंबर वन, खिताब नंबर वन क्या है, अल्लाह का वादा है ये बच्चा जो अल्लाह ने मेरे नबी को दिया। क्या वादा है, जब कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया, गौर से सुनना मेरी माएँ, गौर से सुनना मेरी बहनें, गौर से सुनना मेरे बुजुर्ग, गौर से सुनना मेरे भाई, गौर से सुनना, अल्लाह ने मेरे नबी पर कुरान पाक को जब नाजिल किया और हुक्म भी क्या दिया कुरान ही की जुबान में, युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता وَيُزَكِّيهِمْ اے پیغمبر يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ इसको पढ़ो और पढ़ाओ, समझो और समझाओ, दावत और तबलीग करो, सब काम तुम्हारा है, हिफाजत की फिक्र नहीं करना। तब जाकर हमारे नबी ने अल्लाह से पूछा, अय अल्लाह हिफाजत की फिक्र न करूं, ये कैसे हो सकता है परवरदिगार आलम, इसलिए कि किसी भी चीज पर जमाना गुजरता है, या तो वो चीज पुरानी हो जाती है या तो वो चीज खत्म हो जाती है। दुनिया जमीन के नीचे, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी है जिस पर जमाना गुजर गया, या तो वो चीज पुरानी होती है या तो वो चीज खत्म होती है, है नहीं। अब कुरान पर भी अगर ज़माना गुजर जाए तो कुरान भी पुराना हो जाएगा, यानी तो कुरान भी ख़त्म हो जाएगा। और मेरे नबी को इस बात का इल्म भी था आने वाले ज़माने में कुरान
के दुश्मन बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे, जिसकी तरफ किबला ने इशारा दिया। ये आज इसका एक उसूल है, जलसों में जाता हूँ तो अपने बड़ों के एक एक बात को बगौर सुनता हूँ और उसी को अपने उन्मान का हिस्सा बनाता हूँ। हजरत मौलाना काजा साहब दामत बरकातुम ने इसकी तरफ इशारा भी किया। आका को इस बात का इल्म था कि जमाना गुजरने के बाद अल्लाह के कलाम के दुश्मन पैदा हो जाएंगे, या तो इसे बदलने की कोशिश करेंगे या तो इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और हर दौर में ऐसे लोग, हर दौर में ऐसे लोग और अब भी ऐसे लोग हैं, या तो इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं या तो इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आइंदा भी इसको बदलने की कोशिश करेंगे या नहीं तो इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। दुनिया में जितनी भी किताबें हैं उसमें पहला नंबर कुरान पाक को हासिल है। रब्बे काबा की कसम, हुजूर ही के ज़माने में इसको बदलने की कोशिश हुई, हुजूर ही के आने में इसको खत्म करने की कोशिश हुई। और हुजूर के दुनिया से पर्दा करने के बाद से लेकर अब तक 1450 साल का अरसा गुजर गया, 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। रब्बे काबा की कसम, खुश हो जाओ मुसलमानों, चैलेंज करो मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो मुसलमानों, नबी पर दुरूद पढ़ो मुसलमानों। ये हमारी आन है, ये हमारी शान है, ये हमारा चैलेंज है। रब्बे काबा की कसम, हम इस किताब को मोहब्बत करते हैं, जिस किताब को हम बरकत समझते हैं, घर बनाने के बाद सबसे पहले जिस किताब को अंदर रखते हैं, दुकान बनाने के बाद सबसे पहले जिस किताब को अंदर रखते हैं, हमारी अपनी बच्चियों के जहेज में कीमती जहेज समझकर जिस किताब को देते हैं, ये वो किताब है 1450 साल से ना बदली ना मिटी, ना बदली ना मिटी। इसके पारे बदलना, इसके सूरतें बदलना, इसके आयात बदलना तो दूर की बात, इसके नुक्ते भी नहीं बदले, इसका जबर जेर भी नहीं बदला। सुभान अल्लाह। ये किताब है दुनिया के अंदर। मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुम ने एक जगह पर लिखा है, मैं नाम लेना नहीं चाहता उस किताब का, क्योंकि हम लोग जो जी रहे हैं ना, यूट्यूब के दौर में जी रहे हैं। दीवारों को भी कान बोलकर बोले नहीं, वो इशारा था यूट्यूब की तरफ, वो इशारा था मोबाइल की तरफ, वो इशारा था व्हाट्सएप की तरफ। कई को हमें खामा का दूसरे को छेड़ना, मैं हमेशा कहा करता हूँ किसी को मत छेड़ो, कौन तू भी हम ना छेड़ा तो मत छोड़ो। समझ में आई बात है, किसी को हमें छेड़ना नहीं, छेड़ा तो छोड़ना नहीं। दुनिया की एक किताब है, उसे भी एहतराम हासिल है, हम भी उसकी असल का एहतराम करते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुम, अल्लाह हजरत के उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत फरमाते हैं कि उस किताब को, हजरत फरमाते हैं सिर्फ 500 साल के अरसे में 200 मरतबा तारीफ हुई है, 200 मरतबा। लेकिन अल्लाह का कलाम है, 1450 साल से अब तक एक जबर नहीं बदला। बच्चा शागिर्द, पढ़ाने वाले उस्ताद, उन्हों पढ़ा कुछ ये बच्चा पढ़ा सो, उन्हों पढ़ाए तो बच्चे पढ़ते सो। जब बच्चा सही पढ़ लेता है, इस कलाम का मौजिज़ा है, हजरत पढ़ा को, उस्ताद पढ़ा को, जब बच्चा सही पढ़ लेता है तो उसके अंदर ये सेहत ऐसा उतर जाती है, पढ़ाने वाला उस्ताद खुद गलती करता है तो बच्चा नहीं छोड़ता। घुसिया नहीं, हथौड़ी मंगाऊं?
हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमारे मुल्क के बड़े उलमाए किराम में और मुजाहिदीन आज़ादी में गुजरे हैं, जिनका नाम आता है हजरत शाह अताउल्लाह बुखारी। क्या नाम? कौन? उनू हाफिज, आलिम, मुफस्सिर, मुहद्दिस, इसके अलावा हमारे मुल्क को आजाद करने वाले मुजाहिदीन में सफे अव्वल के मुजाहिद। जब उन्होंने लड़ रहे थे मुल्क को आजाद करने के वास्ते, उस वक्त मुल्क पर कब्जा अंग्रेजों का था। किसका था? अंग्रेजों का। समझ में आ रही बात है? अब भी अंग्रेजा थी लेकिन कलर बल को है सो। वो मेंटालिटी, वो सोच, वो शरारत। मैं उनको ये पार्टी वो पार्टी नहीं कहता, उन्हीं की वो रूहानी औलादे 100%। खाली कलर बदलिया है सो उत्तर। उनका जो मिशन था, इनका भी वही मिशन है। हौसला देने वाले मौलाना के हवाले से मैं अर्ज करूंगा, इंशाल्लाह उनका जो अंजाम हुआ इनका भी वही होगा। तारीख गवाह है, शरीरों का अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। इस्लाम के दुश्मनों का नतीजा कभी अच्छा नहीं निकला। आसमानी किताबों के दुश्मनों का अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। कायनात के हकीकी खालिक और मालिक के दुश्मनों का अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। हर दौर के नबियों के दुश्मनों का अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। और इस उम्मत की खुसूसियत है, अल्लाह जो नवाजिशात मेरे नबी से पहले के नबियों को अता किया, तकरीबन नबुवत और रिसालत छोड़कर मौलाना मुजीबुल्लाह साहब जैसे माहिर इल्म फन और मुहक्किक यहां तशरीफ फरमा है, उलमा की जमात बैठी है, तालिबे इल्म सबक पेश कर रहा है और आप समझ रहे हैं और मुझे आपके चेहरे बता रहे हैं, अल्लाह ताला ने मेरे नबी से पहले तमाम अंबिया को जो नवाजिशात अता फरमाई है मेरे नबी के सदके मेरे नबी की उम्मत को वो अता किए हैं। होगा, इंशाल्लाह होगा। वा उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन। अल्लाह की एक आदत है, दुश्मनों को भी मोहलत देते हैं, जब पकड़ते हैं तो फिर उसकी पकड़ से कोई बचता नहीं, पकड़ते हैं तो उसकी पकड़ से बचता नहीं है। इसलिए अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो। मौलाना अशरफ साहब जो कुरान की अजमत पर अशआर पढ़ रहे थे, वो अशआर नहीं हमारी हालतें थी। हमने कुरान को ताकों में तो जरूर सजाया, हाथों में नहीं उठाया। कुरान को तावीज तो बनाया, फजर के बाद नहीं पढ़ा, मगरिब के बाद नहीं पढ़ा, नींद न आई, मोबाइल उठाकर यूट्यूब में डूब तो गए, नींद न आने की वजह से कुरान उठाकर पढ़े नहीं है। कुरान हमारे घरों में आज रो रहा है, हमारी दुकानों में रो रहा है। जहेज में लेकर जाने वाली मेरी बच्ची अपने जहेज के चमचे तक का इस्तेमाल करती है। अगर कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती, वो अल्लाह का कलाम इस्तेमाल नहीं होता। कुरान के साथ आज हमारा रिश्ता जो है, उसी की सजा आज हम हमारे मुल्क से लेकर फलस्तीन तक पा रहे हैं। मुझे माफ फरमा दे, उम्मत का रिश्ता अगर कुरान से मजबूत होता तो फिर इसराइल का आज क्या हाल होता? चेन्नई के तूफान में चेन्नई जैसे डूबा, उससे खतरनाक गुलामान मोहम्मद के थूकने पर इसराइल डूब जाता। लेकिन नहीं मेरे प्यारो, नहीं। उठाओ कुरान पाक को, पढ़ो कुरान पाक को।
हजरत अताउल्ला शबकारी के दौर में अंग्रेज मुल्क में काबिज था। उसके बहुत सारे इरादों में से एक इरादा क्या था कि मुल्क को लूटना, हुकूमत करना, हिंदी लोगों को हमारा अपना गुलाम बनाना और साथ ही साथ पूरी हिंदुस्तान को मजहबन ईसाई बनाना। मजहबन ईसाई बनाना, और उसकी दाल गल रही थी। इस मुल्क के हर कौम के लोगों के पास उसकी दाल गल रही थी। बार बार बर्तानिया से खत आता, हिंदुस्तान से बर्तानिया को खत जाता, हिसाब बर्तानिया लेता था। हिंदुस्तान के काबिज हुकूमत गवर्नर और यहाँ के जनरल और कर्नल और लेफ्टिनेंट यहाँ के हालात को वहाँ पेश करते थे। वहाँ से जब सवाल आता, तुम्हारे इस साजिश में कौन कौन गिरफ्तार है, जवाब जाता, मुल्क की हर कौम गिरफ्तार है लेकिन हमारे हाथ में नहीं आती है तो उस कौम का नाम इस्लाम मुसलमान है। खर्च लंबी बात है, मैं काटते कटाते चलूं। कुरान पाक को बदलने का एक प्लान भी उनका था, खत्म करने का प्लान था। हमारे बुजुर्गों का एक तरीका रहा, सामने वाले का मिजाज जैसा होता वैसा जवाब देते। हजरत अताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कान में जब बात पहुंची कि उनके इलाके में रहने वाले लोग खास तौर पर कुरान पाक को बदलने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हजरत ने फौरन एक जलसा मुनक्किद किया। क्या किया? जलसा, ऐलान कर दिया, जलसा है। हजारों की तैदाद में उस जमाने में लोग आए। आजकल जलसा रखना कहता है, दावत का भी ऐलान करना पड़ता। मैं तुमना नहीं बोल रहा रे बाबा, चुप के एक जलसे को गया था हजरत। वो जलसे वाले अजीब लोग, पहले दावत बाद में जलसा रखे, आने वाले खाले को चले गए, जलसे को आयत नहीं खुला। मैं बोलिया जलसों में दावत रखे तो दावत को ब्रेक बनाओ। जलसे का ऐलान हुआ, हजारों की तादाद में लोग आए। हजरत ने अपने इस जलसे में कुछ गैर मुस्लिमों को भी दावत दिया जो कुरान के खिलाफ में काम कर रहे थे, बड़े बड़े ओहदों में रहने वाले जनरल कर्नल फलां और फलां को दावत दिए। हजरत बुलाए बोलकर वो लगा भी आगे। हजरत स्टेज में उनको बिठाए, कुर्सी में हजरत बैठे। हमारे जलसों में किरात पढ़ने वाले अलग, नात पढ़ने वाले अलग, इस्तकबाल करने वाले अलग नहीं, लेकिन उस जलसे में किरात की जिम्मेदारी भी हजरत की थी, नात की जिम्मेदारी भी हजरत, क्योंकि हजरत की आवाज़ भी बड़ी अच्छी थी, वो शेर भी मुझे पढ़ना है आपके सामने। तो किरात की जिम्मेदारी भी हजरत की थी, नात की जिम्मेदारी भी हजरत की थी, बयान की जिम्मेदारी भी हजरत की थी। और हजरत ने जानबूझकर मदरसे के छोटे छोटे बच्चों को सामने बिठाया और आने वाले लोगों को पीछे बिठाया। जलसा जब शुरू हुआ तो हजरत ने जलसे का आगाज़ हमारे अपने उसूल के मुताबिक कुरान पाक की तिलावत से की, और हजरत कुछ फरमाए, हमारे हर अच्छे काम का आगाज अल्लाह के कलाम से होता है, चुनाचे मैं खुद ही इस जलसे का आगाज कुरान पाक की तिलावत से करना चाहता हूं, बोलकर कुरान पाक की तिलावत शुरू करे। समझ में आ रही है बात? उधर कर्नल जनरल क्या की किधर की बैठे हैं, अब हजरत पढ़ रही। छोटे छोटे बच्चे 9 साल 10 साल के, 12 पारे 15 पारे 20 पारे पढ़े सो हिफ्ज करे सो बच्चे सब बैठे ही। हजरत पढ़ते पढ़ते एक जगह पर अटके, गलत पढ़े, अटके नहीं गलत पढ़े। सामने का एक छोटा 10-11 साल का बच्चा हजरत को लकमा दिया। लकमा का तो वह हाथ का लकमा नहीं, हमारे अपने माहौल में लकमा किसे बोलते, बोले तो तरावी पढ़ाने वाले हाफिज साहब अटके तो पीछे खड़ को सुनने वाले जो बोल को देते नहीं उसे लकमा बोलते। सो हमारे बेंगलुर में यहाँ क्या बोलते, यहाँ भी लकमा वो बोलते कि या हाफिज साहब को सामी साहब एक लकमा देते नहीं, मैं पूरी मस्जिद देती, रकात लंबी होगी तो सबको करोना आ जाता।
नहीं बोला ना, लंबी रकात पढ़ लिया था, पीछे से क्या करती जानबूझ का क्या मतलब हाफिज साहब झुकते ही की झुकाना हाफिज साहब झुकते ही की झुकाना सामने का बच्चा लकमा दिया, मजमे में हजारों उलमा बैठे थे, परेशान हो गए, जय्यिद आलिम इतनी फास्ट गलती, छोटा बच्चा सही कर रहा, फिर एक दो आयत पढ़े फिर गलती, फिर बच्चा लकमा देता है, फिर एक दो आयत पढ़े फिर गलती, फिर बच्चा लकमा देता है, इधर से लकमे उधर से लकमे, आखिर हजरत सदकल्ला पढ़ने के बाद अपने किताब को शुरू करते हुए इन इधर उधर बैठे हुए दुश्मना ने कुरान से कहा मैं अटका नहीं, मुझे भी वैसे ही कुरान याद है जैसे इन बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान याद है, मैं तुमको सबक सिखाने के लिए बुलाया हूं, ये मजमा मेरे सामईन नहीं तुम मेरे सामईन हो, ये बताने के लिए मैंने तुमको बुलाया, अताउल्लाह अब इस वक्त उस्ताद नहीं उस्ताजुल असातजा है, ये बच्चे जिनके पास पढ़ रहे हैं वो असातजा मेरे पास पढ़े हैं, मैं उस्ताजुल असातजा हूं, लेकिन आपने देखा नहीं अताउल्लाह जैसी शख्सियत कुरान के जबर को जेर या जेर को जबर पढ़ता है, ये मासूम बच्चे अताउल्लाह को नहीं छोड़ रहे हैं, तुम कुरान को बदलोगे तो क्या ये नस्ल तुमको छोड़ेगी, साहब में सौदा कुरान पाक में सौदा नहीं, इसीलिए चैलेंज कर सकते हैं आप, कर चुके हैं हमारे बड़े, हम भी करेंगे, तू भी सूरती में मिसली लेकर आओ, ऐसी कोई किताब लेकर आओ, ऐसी कोई आयत लेकर आओ, ऐसा कोई सूरा लेकर आओ, ऐसे एक दो चार सफात, आज कहते हैं ना इस्लाम से पुराना है हमारा मजहब, इस्लाम से पुराना है हमारा मजहब, मजहब की दलील किताब होती है, किताब की दलील मजहब होता है, मान लीजिए कि इस्लाम से पुराना फुला और फुला मजहब है, तो अब हमारे तरफ से सवाल है अगर हमारे से पुराना तुम्हारा मजहब है तो तुम्हारी किताब हमारे से भी पुरानी रहेगी, वैसी किताब लेकर आओ जब से तुम्हारा मजहब है, वरना हम जब से हमारे मजहब का दावा करते हैं उस वक्त से लेकर अब तक की सलामत किताब इंशाल्लाह लेकर आएंगे, यकीन न आए तो तुर्की के म्यूजियम में हजरत उस्मान गनी के दौर का लिखा हुआ कुरान मौजूद है, कंपेयर करो अमेरिका में रखे हुए कुरानों को, ऑस्ट्रेलिया में रखे हुए कुरानों को, अरब की सरजमीन के मुमालिक के रखे हुए कुरानों को, हमारे मुल्क में रहने वाले कुरानों को, और तकरीबन आज से तकरीबन 1400 साल पहले तुर्की के म्यूजियम में रखे हुए कुरानों को बाजू रख कर देखो, एक हरफ में फर्क आ गया, तुम जो कहोगे वो करने के लिए तैयार वो होगा नहीं, उस जमाने का कुरान जैसे महफूज, इस जमाने का कुरान भी वैसे महफूज, इसीलिए प्यारे आका ने अल्लाह से फरमाया, अर्ज किया इलाहल आलमीन, पढ़ना मेरा काम है, आना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है, दावत मेरा काम है, तबलीग मेरा काम है, और हिफाजत मेरा काम नहीं है, और आपने मुझे खातमुन नबीन बनाया, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, और ये दीन क़यामत तक चलना है, ये किताब क़यामत तक रहना है, तो फिर दुश्मना ने कुरान अगर इस किताब को बदल दे तो क्या होगा, अल्लाह ने फरमाया, हदीस और लंबी है, अल्लाह ने फरमाया कि पैगंबर आप फिक्र मत करो, ये किताब की हम जिम्मेदारी लेते हैं, क़यामत तक ये सलामत रहेगी, इसके ज़बर ज़ेर में फ़र्क नहीं आएगा। आका ने पूछा कैसे हिफाजत करेंगे इलाहल आलमीन, मेरी उम्मत पढ़ना चाहे तो क्या आप आसमान में डिस्प्ले करेंगे, नहीं, क्या इसकी हिफाजत आप पहाड़ों में करेंगे, नहीं, समंदर की तह में करेंगे, नहीं,
कैसे हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने मेरे नबी को बशारत दी कि पैगंबर आप बेफिक्र रहो, इतनी अजीम और बड़ी किताब को हम हिफाजत करेंगे तो पहाड़ों का इंतखाब नहीं करेंगे, आपकी उम्मत के मासूम बच्चों के सीनों का इंतखाब करेंगे। बड़े बड़े पहाड़ों का, गहरे समंदरों का, चांद का भी नहीं, चांद में भी नहीं रखेंगे, चंद्रयान 3 जाता। चांद में भी नहीं करेंगे, चंद्रयान 3 भी जाएगा, 4th भी जाएगा, 5th भी जाएगा, हमले वहां भी होंगे। इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है पैगंबर, हम इस किताब की हिफाजत करेंगे, आपकी उम्मत के छोटे छोटे मासूम बच्चों के सीनों का इंतकाब करेंगे। ये मासूम बच्चा, इसकी उम्र क्या है मेरे दोस्तों? डॉक्टर बनने के लिए उम्र तय है, ला करने के लिए उम्र तय है, इंजीनियरिंग करने के लिए उम्र तय है, कुरान पाक याद करने के लिए उम्र तय नहीं। ऐसी मिसाल भी आपको मिलेगी, सबसे छोटी उम्र में याद करने वाला बच्चा भी हमारे सामने वाकियात की शक्ल में आता है। कोरोना वायरस से पहले मैं गुजरात गया था, अब फिर भी आ रहा है कहते उन्हें कोरोना, इस मर्तबा छोड़ना नहीं। कोरोना वायरस से पहले मैं गुजरात गया था, जलसा था, बहुत बड़ा जलसा, बड़े मदरसे का, इफ्ता तक के फारिगीन थे, और उस तरतीब में असनाद और दस्तार बच्चों को देते हुए जब बुला रहे थे, नाम नाम बोलते थे, बच्चे आते थे, एक बच्चे का नाम पुकारे तो बजाय बच्चा आने के तकरीबन 70 पर 8 साल के बूढ़े मियाँ आए। कितने साल के? 70 पर 8। अब स्टेज में जितने उलमा बाहर से आए थे परेशान हो गए, इन 70 पर 8 साल के शायद पोतरा रंगा बीमार होगा रंगा, नहीं तो कांति भी गया रंगा, उन्हें नहीं आया, इन्हों आए बोले तो उन्हों आए। नाजिम जलसा ने कहा ये वही हाफिज हैं जिनका हमने नाम लिया है, इनका पोता नवासा बेटा हाफिज नहीं, यही हाफिज है। ऐसे किसी जलसे में जाकर हिफ्ज कुरान की फजीलत सुनी तो उनको इरादा हुआ हाफिज कुरान बनने का। अलीफ बा तक ता तक नहीं आता था, सीधा मदरसे को चले गए, मोहतमिम साहब से बोले मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। मदरसे ही एक वाहिद ऐसे इदारे हैं जहाँ हर किसी को वेलकम कहा जाता है। मोहतमिम साहब बोले आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाएंगे, लेकिन वो बुजुर्ग चूंकि ज़रा साहिब माल भी थे, उन्होंने कहा कि हजरत पढ़ूंगा ऐसे जैसे आम बच्चे पढ़ते हैं, बैठूंगा वहाँ जहाँ बच्चे बैठते हैं, और उस्ताद साहब से आप कह दीजिए कि अगर मैं पढ़ने में सबक सुनाने में कमी पेशी करूं मुझे वैसे मारे जैसे दूसरे बच्चों को मारते हैं। हाँ और एक बमड़ी शुरू हो को है, मारना नहीं कहते बच्चों को, नहीं तो आई लव यू बोलना कि सबक नहीं सुनाया तो मारना नहीं तो क्या कहना, बेतुका मारना नहीं लेकिन मारने की तो इजाजत है। तरबियत में बच्चों को मारने का हुक्म हजरत उमर फरमाते हैं जिस घर के अंदर कोड़ा लटकता हो उस घर का बच्चा कभी बद अखलाक नहीं हो सकता। उस्ताद को मारने का हुक्म, माँ बाप को बच्चों को मारने का हुक्म, हदीस है नहीं 7 साल की उम्र में बच्चे को नमाज की ताकीद करो, 10 साल की उम्र में बच्चा नमाज नहीं पढ़ा तो मारो, और एक को भी हुक्म है मारने का, वो भी कुरान में ऐसो बोलूं कि रखो
बीवी अगर ऐसी वैसे काम करी तो शौहर को भी हुकुम है मारो बोल को, लेकिन चलता नहीं कि ये तो हमें मारने वाले बहादुर नहीं, मार खाने वाले बहादुर हमें। मेरे पास एक आदमी आया बोला ना मैं बेंगलुरु में फैसले भी करता हूँ, अब कम कर दे लासो। हजरत तुम्हें देखे तो घर को जल्दी जाओ जल्दी जाओ। कतीना हजरत मैं घर को जल्दी गया तो काली लड़ती हजरत क्रात इतने लड़ाया हुए हजरत देखो कैसा मारी सो हजरत बोलकर दिखा रहा पट्टे पट्टे ही। मैं ही बोलिया उन्हें मारे तक तू क्या नमाज पढ़ने को था क्या? बुजुर्ग ने कहा 78 ईयर्स मैं वहां बैठूंगा जहां आम बच्चे बैठते हैं। और मेरे उस्ताद को कह दीजिए कि अगर सबक में कमी पेशी हो जाए तो मुझे ऐसे मारे जैसे आम बच्चों को मारते हैं। एक साल में नाजरा खत्म करे, 2.5 साल में हिफ्स खत्म किए। ये कुरान का मोजिजा है मेरे दोस्तों। और जिस घर का बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है उसके माँ बाप की बशारतें आप सुने होंगे, घर की बशारतें सुने होंगे, और भी बहुत सारा उनवान ज़खीरा मौजूद है, फिर कभी आपके सामने हजरत उलमा पेश करेंगे। मौलाना हजरत मौलाना समीउल्ला साहब अरशादी दामद बरकातहुम की इस काम को मैं खिदमत नहीं कहता करामत कहता हूँ। एक सादा सीधा मदरसा हजरत मौलाना मुफ्ती मुजीबुल्ला साहब, मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि पहचान बराबर हो जाए वरना मैं बड़ों का नाम नहीं लेता, कि मौलाना की सरपरस्ती में ये मदरसा ऐसा फूल रहा है ऐसा फल रहा है कि सुबह को आकर शाम को जाते हैं बच्चे इस मुख्तसर से वक्त में इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि ये बच्चा नवा हाफिज़े कुरान है। एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा मदरसा, लेकिन खिदमत इतनी बड़ी हो रही है, इसे खिदमत नहीं मौलाना की साफ साफ करामत कहा जा सकता है। ऐसे उलमा का अदब करो, ऐसे उलमा से मोहब्बत करो, इनकी कदर करो, ऐसे इदारों की खिदमत करो। कुछ नहीं कर सकते तो खामोश जाओ, मुखालफत मत करो। जैसा कि मौलाना ने फरमाया अपने बच्चों को भी दाखिल करो। आज इस बच्चे के तकमील हिफ्ज़ कुरान के मंज़र को देखकर अगर हमारे दिलों में शौक़ पैदा नहीं हुआ कि हमारे बच्चों को भी हाफिज़ बनाना है तो मैं समझता हूँ कि हमारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ। शादी को जाते ही नौशों को उनकी आरस को की देखते ही हमारे बच्चों की शादी आ जाता थी, अल्लाह मेरे बच्चे के शादी तक की उम्र दे डाले तो कितना अच्छा होगा, वो वक्त कब आऊँगा, मेरा बच्चा यहाँ खड़ा रहूँगा मैं इधर फिर ले को रहूँगा, इरादा होता नहीं होता, उससे करोड़ दर्जे ज़्यादा इरादा यहाँ होना। अल्लाह आज ये बच्चा हजरत के सामने बैठ कर कुरान पाक मुकम्मल कर रहा है, हालांकि जलसा इतना है लेकिन चर्चे आसमान में हो रहे हैं। मेरे पास वक्त नहीं, एक लंबा सफ़र करना है, मैं कसम अल्लाह की वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून की तफसीर में आता है, जिसका बच्चा हाफिज़े कुरान होता है उसके माँ बाप की मौत ईमान पर आने की ज़मानत है। तफसीर में तफसीर इब्ने कबीर कैसा हजरत, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान होता है अल्लाह उसके माँ बाप को हशर के मैदान में चानों सूरज से ज़्यादा चमकने वाला ताज पहनाएंगे। सुने हैं कि नहीं सुनाएंगे? अगर उस हाफिज़ कुरान के माँ बाप काफिर हो खुदा ना खास्ता या कुफ्र के हालत में हो तो फिर नबी का वादा कैसे पूरा होगा? ईमान की हालत में मौत आने के कई असबाब में से एक सबब अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना। मुझे वो वक्त याद आ रहा है, इजाज़त हो तो हज़रत काजा साहब की अर्ज़ कर दूं। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल से एक महीना पहले फिर तबीयत नासाज़ हुई, घर में हाल में बैठकर वालिद साहब
अपनी तबीयत की नासाजगी में रो रहे थे और ईद का तीसरा दिन था, जिलहिज्जा, उसके बाद मुहर्रम। तो मेरे बहनें यानी अब्बा की बेटियां, फिर नवासियां सब आए हुए थे और गोश्त का तो माहौल था ही है, कबाबा गोश्त। अचानक अब्बा जान अपने इस आबाद घर को देखकर क्या सोचे नहीं सोचे पता नहीं, आंखों में आंसू जारी, फिर तनफ्फुस वीजिंग प्रॉब्लम शुरू हुआ। मैं बाहर था, मेरे भांजे ने मुझे फ़ोन किया तो मैं फ़ौरन वापस आया, अब्बा के बाजू बैठा, डॉक्टर के पास ले जाने की बात कर रहा था। अब्बा बोले, नहीं बेटे ज़रा इंतज़ार करो, कब तो भी ऐसा होता सुत नॉर्मल हो गए तो क्या भी नहीं बेटे, दवा दे बोल कर। अब्बा जान बनीन में थे, अब्बा के गले में हाथ डालकर सीना साते हुए मैं पूछा, की अब्बा रो रही हैं आपको, क्या तकलीफ हो रही है, अल्लाह बहुत बड़े हैं सब बोला। तो अब्बा बोले, नहीं बेटे मेरा हरा भरा घर देखकर, ये बच्चे देखकर आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तुम लगा क्या समझ रही, मैं मौत को डर को रो रूं समझ गई क्या तुम लगा मुझे मेरी बहनों को। हमें बोले, नहीं बा कही को अब्बा मौत के बात, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। बेटे मैं मौत को डरता नहीं बेटे, मैं जिस वक्त तुमने हाफिज बनाया उस वक्त से मेरे दिल से मौत का डर ही चले गया, मैं तुमने हाफिज बनाया सो मेरे वास्ते बेटे। एक एक हिम्मत आ जाती है माँ बाप को जिसका बेटा हाफिज कुरान होता है, एक यकीन आ जाता है माँ बाप को जिसका बेटा हाफिज कुरान हो जाता है, एक टेंशन खत्म हो जाता है माँ बाप को खबर का जिसका बच्चा हाफिज कुरान होता है। सच कहता हूँ मेरे दोस्तों, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं बिठा देता, बिठाता आपको और बताता। फुकहा ने यहाँ तक लिखा है, असफिया ने यहाँ तक फरमाया है, मरने के बाद अपने खानदान वालों को ये वसीयत करो कि मेरी कब्र किसी हाफिज़े कुरान के कब्र के बाजू रखें। हमें जोरू मर गई तो मर्द बोलता उसके बाजू मेरी खबर रखो, मर्द मर गया तो जोरू बोलती तेरे अब्बा के बाजू, क्या बेडरूम हो। लेकिन फुकहा व असफिया ने क्या फरमाया, अगर तुम्हारे घर में कोई हाफिज़े कुरान ना हो, तुम्हारी मौत हो जाए तो वसीयत ये करके मरो कि तुम्हारी कब्र किसी हाफिज कुरान की कब्र के करीब हो, इसलिए कि उसके कब्र की रहमतों के नुजूल का असर तुम्हारे कब्र पर पड़े। जब हाफिज कुरान के चार पांच दस पंद्रह कब्रों के बाद के कब्र पर हाफिज का असर पड़ता है तो फिर माँ बाप का आलम क्या होगा, माँ बाप का आलम क्या होगा। उनके वालिद साहब को और आज के जलसे के तमाम उलमा वालिदे मोहतरमा को और उनके पूरे खानदान वालों को मुबारकबाद पेश करता है। पूरा जलसा खत्म हो जाने के बाद हाफिज साहब से मुसाफा कर को मौका मिला तो माना का कर को, और मौका मिला तो पिशानी में बोसा देखो, मुसाफा का तो समझे नहीं, वो मुसाफा ये नहीं समझ रही बात है, गुजारिश करना हाफिज साहब हशर के मैदान में जरा हमना भी याद रखो, बोलना दस का तो दादा दादी नाना नानी काला फुप्पू फुप्पा ये नहीं, इनके हिफ्ज पर दिल से और खुलूस से कौन खुश हुए कि उनका नंबर आता सो दस में। बाबा मदरसे में बच्चे को दाखिल करया, दादा हे कर मदरसे में दाखिल करता ला सो, मैं क्या कि डॉक्टर बनाना बोल करता तो मदरसे में दाखिल करता ला, बोलकर दादा मुखालफत करया हशर के मैदान में, भाई दादा रे तेरा वो हाफिज कुरान बोलेगा आई डोंट नो दुनिया में मुखालफत करे हाफिज बना दे सो तुम्हें, 4,000 तनख्वाह लेने वाला इमाम बनाए सो तुम्हें, कितना इंसल्ट करे, खाला
जब हाफिज कुरान का रिश्ता खाला की बेटी से, हाँ डॉक्टर बनकर रहता तो मैं देती थी, हाफिज बन गा इसे देना क्या बोलकर इनकार कर डाली, चिच्चा इनकार कर डालिया, ताया इनकार कर डालिया, हशर का मैदान में रिश्ते देता नहीं, मैं चिच्चा, मैं खाला, मैं फुप्पू लालम लालम मैं नहीं जानता। दुनिया में जब मैं हाफिज हुआ था, मेरे माँ बाप के फैसलों पर जो मुबारकबाद पेश किए उनका नंबर है, मेरे हिफ्ज कुरान पर जो मुझे मुबारकबाद पेश किए उनका नंबर है। थानवी ने फरमाया अल्लाह तबारक व ताला की रहमत का उस वक्त हाल जो होगा फैसला वो होगा, 10 की सिफारिश करेंगे। जवाहिरात हकीमुल उम्मत में लिखे हैं हजरत, मैं हजरत की किताबों का अक्सर मुताला करता हूँ, हजरत ने लिखा है 10 का जो अदद आका ने फरमाया वो कम से कम अदद है, ज्यादा से ज्यादा उस वक्त अल्लाह की रहमत का क्या हाल होगा वहां वो फैसला होगा। बनाओ अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। क्यों, शायर क्या कहता है देखिए, जो अजमतों के दीन पे कुर्बान हो गए। बनाएंगे बच्चों को हाफिज, कौन कौन बनाएंगे हाथ उठाओ, माशाल्लाह। इसका मतलब ये है बहुत सारे लोग उन्हों भी हाथ उठा दे ले ही, नया जनने का इरादा है क्या जनो? अमली का जड़ पुराना हुआ तो पिक्का नहीं होता, खट्टा चरता। जो अजमतों के दीन पे कुर्बान हो गए वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, बस टोपियां लगा के मुसलमान हो गए। ये शेर सुनिए, खुशबू से सात पुश्त महक जाएगी जनाब। अब भी शेर खत्म कर रहा हूं, उसके बाद बयान अलग करना है। खुशबू से सात पुश्त महक जाएगी जनाब, खुशबू से सात मुश्क महक जाएगी जनाब, जिस घर के फूल हाफिज़े कुरान हो गए, जिस घर के फूल हाफिज़े कुरान हो गए। एक बच्चा हाफिज कुरान बनता है किसी खानदान का, 7 नस्लों तक उसके हिफ्ज की बरकत का सिलसिला चलता रहता है। अल्लाह अकबर। मैं चाहता हूं कि इंशाल्लाह आइंदा इस मदरसे से और भी ज्यादा बच्चे हाफिज हो, अल्लाह ताला इस मदरसे में वो बरकतें अता फरमाए, हर मदरसे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से, बद नज़रों की बद नज़री से बेहद हिफाजत फरमाए। बतौर ख़ास पूरे खुलूस के साथ अल्लाह की कसम खा कर दुआ करता हूँ, हमारे हजरत मौलाना समीउल्लाह साहब रशादी दामत बरकातहुम के उम्र में बरकत अता फरमाए, आपके इस खिदमात को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आखिरी जुमला, क्योंकि बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं हजरत उलमा का और इन तमाम मेरे बाद साथियों का, बतौर ख़ास हजरत मौलाना अशरफ साहब का, उनके हवाले से अर्ज़ करता हूँ, शहरों में काम करना कमाल नहीं, खरियों में काम करना कमाल है। और इसकी तहकीक मेरे पास मौजूद है, फिर कभी आपके सामने अर्ज़ करूँगा, क्योंकि दुश्मनों का टारगेट अब शहर नहीं खरिए हैं। ऐसे माहौल और ऐसे वक्त में एक छोटा सा खरिया, और वहाँ मौलाना अपने असातज़ा का दामन थाम कर जो खिदमत कर रहे हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, बल्कि फरिश्ते भी फ़ख्र कर रहे हैं।
अल्लाह शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। इसी तरह इत्मीनान के साथ बैठे रहें। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत उस्ताद उल असातिज़ा हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद मुजीबुल्लाह साहब रशादी व खास मेदावत बरकातुहुम हजरत वाला का खिताब होगा और इंशाअल्लाह हजरत ही की दुआ से इस मजलिस का इख्तिताम होगा। तमाम से गुजारिश है कि जिस तरह आप बहुत वक्त से बहुत देर से बैठे हुए थे इसी तरह इत्मीनान से बैठे रहें, टूटे नहीं अपनी जगह से। इंशाअल्लाह दुआ के बाद ईशा की नमाज पढ़ी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिही लदीन अस्तफा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला अल्लाह तबारक व तआला फ़ी महकमि तंज़ीलिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए इकराम स्टेज पर रौनक अफरोज अजीम शख्सिया, अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत देर से हज़रत मौलाना को सुन रहे थे और जो ज़रूरी बातें थीं वो सब बातें आप सब अल्हम्दुलिल्लाह तीन तीन उलमा और माहिरीन फ़न खिदमतगारान दीन मिल्लत और ख़ुसूसियत के साथ मौलाना पीर मुजम्मिल साहब को आप समाप्त कर रहे थे, सुन रहे थे। बहुत सी बातें जो ज़रूरी थी सब बातें आपके सामने आज फरमाई और मुबारकबाद भी मौलाना मोहतरम को पेश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मौलाना ने फरमाया इस छोटी सी बस्ती और छोटे से करिए में अल्लाह ने ये करम की बारिश की कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी मकतब और मदरसे में ये बच्चा नौवां हाफिज़ है और एक उसमें बच्ची भी है जिसने तकमील हिफ्ज़ क़ुरान किया है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी अल्लाह की ये करम फरमाई है कि अल्लाह ने सआदत उज़्मा से हम सब को बहरावर फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ मोहब्बत और अकीदत की बुनियाद पर ये हज़रात उलमा सिर्फ उस फजीलत को उस आज़मत को अपने दिल में जगह देते हुए अपनी तमाम तर मसरूफियात को इधर उधर करते हुए यहाँ हाजिर हैं वो सिर्फ इसी बुनियाद पर हैं कि यहाँ तकमील हिफ्ज़ क़ुरान की मजलिस है। आपको पता है कि ये हज़रात उलमा इन पर बड़ी ज़िम्मेदारियाँ और बड़े काम काज लगे रहते हैं और फिर इन हज़रात के सामने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी मुख्तलिफ अंदाज से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मौलवी समीउल्लाह रशादी जीदा मजदू की उस दावत पर लब्बैक कहते हुए दूर दराज से भी इलाके से भी और आपके अपने इलाके और भद्रावती के तमाम ही उलमा मुकर्ररीन खुतबा अइम्मा खिदमतगारान दीन सब आपके सामने हाजिर है, तो इनके सामने ये इनके दिलों की अजमत है वो कुरान की उस अजमत को महसूस करते हुए आपकी इस जगह हाजिर है। अल्लाह करे कि इनके कुदूम मेहमानत लुजूम के ज़रिए से और बरकतों का नुज़ूल अल्लाह ताला इसमें फरमाए और तरक्कियात से नवाजे। मुझे आपको लंबी नसीहत या पैगाम देना नहीं है, अल्लाह का करम है हजरत उलमा जो दर्द और सोज आपके सामने जाहिर करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह उसके नताइज भी हम देख रहे हैं। मौलाना ने कहा कि आप अपनी आवाज़ को इस्तेमाल कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसी छोटी सी बस्ती में बहुत से बेहतरीन नाथान भी अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुए जो आपकी फिक्रें हैं अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा खेज होती हुई और इंशाल्लाह ये
زمین سرسبز ہے اور نتائج انشاءاللہ برآمد ہوں گے. جنہوں نے وعدے کیے ہاتھ اٹھائے تو وہ اپنے وعدے کو پورا کریں گے انشاءاللہ, اور زیادہ یہاں نتائج برآمد ہوں گے. الحمدللہ اسی ایک مکتب سے ایک اور مسجد, ایک اور درسگاہ بھی الحمدللہ یہاں قائم ہوتی ہوئی. لیکن کسی طرح کی کوئی شکایتوں, دراڑوں, فتنوں اور کسی طرح کی ایک دوسرے سے بغض و دشمنی, عداوت کا معاملہ نہیں, محبتوں الفتوں کا ماحول انشاءاللہ قائم رہے گا. ہمیں اپنا وعدہ بھی کرنا ہے اور اس کام کو لے کر آگے بھی چلنا ہے اور ترقیات سے نوازنا ہے ہمارے ہر گھر کا بچہ انشاءاللہ حافظ قرآن, عالم دین, اور پھر قوم و ملت کی رہبری اور قوم و ملت کو ایک ایسا راستہ دکھاتا ہوا جو آج محسوس کرتا ہوا ہے. مولانا نے شکایت کی, بالکل ہماری یہ حالت ہے کہ آج دنیا بھر میں ایک آزمائشی گھڑی اور ایک امتحانی گھڑی, اور ایسے موقع پر کہ جہاں اللہ کا حکم تھا, نبی پاک کا طریقہ تھا, اسے بھول کر ہم آج بہت کوسوں دور ہیں. لیکن جن کو بڑا بھرم تھا اپنی ظاہری قوت پر, ظاہری طاقت پر, گھٹنے ٹیکنے پر مجبور بھی ہیں اور اپنے عز کا اظہار بھی کر رہے ہیں, آج بھیک مانگنے پر مجبور ہیں, جو صرف اور صرف قرآن کی یہ برکت اور قرآن کی عظمت ہے کہ اللہ نے وہ دکھایا ہے کہ آج وہ آیتیں سر عام گوشتی ہوئی, اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. حضرات علماء اس کے سیاق و سباق سے پوری طرح واقف اور باخبر ہیں کہ اللہ کا وہ کلام پر اثر اثر انداز ساری دنیا کو آج اپنی طاقتوں کے باوجود, قوتوں کے باوجود, اپنی مہارت پر فخر کرنے کے باوجود مجبور ہو کر ان کو انہیں علماء, حفاظ اور پھر وہ قوم و ملت کے خدمت گاران اور مجاہدین کے سامنے ساری دنیا کو گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے, کریں گے. اگر ہمارا تعلق قرآن سے قائم رہا, جیسے مولانا نے فکر دلائی, اس فکر کو ہم دوبارہ جگائیں گے اور ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا. جہاں قرآن کو یاد کر رہے ہیں, الحمدللہ یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ آج آپ کے اسی شہر سے اور اسی بستی سے, اسی گاؤں سے, اسی قریے سے تعلق رکھنے والے یہی مولوی سمیع اللہ کی کوششوں کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ وہی بچے جنہوں نے مکتب میں داخلہ لیا, حفظ قرآن کی دولت سے سرفراز ہوئے, بڑے مدارس میں پہنچے, علماء کی فہرست میں داخل ہو گئے اور ادبا افتا کی تک منزل طے کرتے ہوئے اور اس حاصل میں مسلم کے ساتھ چلتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی سے بھی وہ اپنا فائز حاصل کریں. الحمدللہ یہ سلسلہ قائم ہے. آپ حضرات کی فکریں, آپ حضرات کی دعائیں اگر ان کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ وہ دن بعید نہیں, انشاءاللہ مجاہدین کی بھی جماعت انشاءاللہ تیار ہوگی اور اللہ کا کرم انشاءاللہ شامل حال رہے گا اور انشاءاللہ رہبری ہوتی رہے گی اور آپ حضرات کی توجہات سے نتائج برآمد ہوتے رہیں گے. اللہ نے قرآن کو آسان کیا, صرف فکروں کا اور ہمارے تعلق کا انتظار ہے. اگر ہمارا تعلق اور ہماری فکریں قائم ہو گئیں تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور جو نتائج ہم دور سے دیکھ رہے ہیں ہم قریب سے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ سے یہی التجا و دعا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کو اس قرآن کی برکتوں, عظمتوں اور اس کے جو نتائج اللہ نے طے کر رکھے ہیں ان تمام نتائج کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے دکھلائے اور پھر وہ نتائج ہم ضرور دیکھیں اور ہمیں جہاں دنیا میں اللہ نے خیر پیدا کیا اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بہترین اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ اور ثواب سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے میں اللہ رب ذوالجلال کا شکر گزار ہوں کہ رب ذوالجلال نے ہماری اس محنت کو کامیاب فرمایا
और मैं हमारे सदर जलसा हजरत मुफ्ती साहब का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी अदना से दावत पर कभी भी बुला लें हम, जिस वक्त भी हम कॉल कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हमारी कॉल को रिसीव भी करते हैं और जो भी हम बात पूछें या फिर हम दावत दें लबैक कहते हुए अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़ कर हजरत हमारे इजलास में हो या फिर हमारे मशवरों में हो हजरत हाजिर हो जाते हैं। मैं हजरत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं हमारे मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब रशादी वाला जाहिद अहमद बरकातहू हूँ। मैं हजरत वाला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हजरत की ये पहली बार आमद नहीं है हमारे गांव में, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम सिर्फ एक फ़ोन के ज़रिए से हजरत को दावत देते हैं तो हजरत लबैक कहते हुए हमारी इस दावत को लबैक कहते हुए हमारे जलसों में हाजिर होते हैं। मैं हजरत का शुक्रगुजार हूँ और मैं हजरत ख्वाजा मोहिद्दीन साहब मोहतरम तालीमुल कुरान चिकमंगलूर, मैं हजरत वाला का भी शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत ही के मदरसे में हिफ्ज की इब्तदा किए थे, अल्लाह का शुक्र है कि आज उनकी बदौलत हम यहाँ इस दर्ज पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं जनाब हाफिज अशरफ अली खान साहब और मौलाना औरंगज़ेब साहब रशादी और तमाम उलमाए धर्मगट्टा और उलमाए शहर शिमोगा और उलमाए भद्रावती इन तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इस जलसे में आप हजरात ने शिरकत फरमा कर हमारे जलसे को कामयाब फरमाया। और खुसूसन मैं हमारे बेंगलुरु के आए हुए दो मेहमानान जो सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे के इस हाफिज कुरान के आखिरी सबक को सुनने के लिए हालांकि बहुत मसरूफ रहते हैं लेकिन फिर भी हालांकि हमारे मेहमानान बहुत मसरूफ रहते हैं फिर भी आखिरी सबक सुनने के लिए और इस जलसे का फैज पाने के लिए यहाँ तशरीफ फरमा है जनाब अलहाज रशीद साहब बेंगलोर और जनाब शानूर साहब बेंगलोर। ये दोनों हमारे मेहमान सिर्फ आखिरी सबक सुनने के लिए बड़ा सफ़र तय करके यहाँ हमारे इस जलसे में हाजिर हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब हाफिज तनवीर साहब और जो भी दीगर हाफिज इरफान साहब ये चिकमंगलूर से भी हुफ्फाज़ और उलमा तशरीफ़ लाए हैं, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और खुसूसन आप तमाम गाँव वालों का और हाजिरी मजलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरा इत्मीनान के साथ बैठे रह कर हमारे इस जलसे को कामयाब बनाए। और एक ऐलान भी है, ऐलान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब हमारे इस ज़िले के लिए बड़ी खुशकिस्मती और खुशनसीबी का मौका है कि यहाँ हमारे इस ज़िले में हिंदुस्तानी नहीं बल्कि सारे आलम इस्लाम की एक बड़ी शख्सियत हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शिमोगा में मजहर उलूम में बाद नमाज मगरिब हजरत का खिताब होगा। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि उस इजलास उस जलसे में आप शिरकत फरमाएं और हजरत के जितने